हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनुजात फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है और थ्योरी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, इसके जस्ट बाद न्यूमेरिकल शुरू होने वाले हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का सब्जेक्ट है, देख लेते हैं छठा क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन के बारे में अभी चर्चा करी और अभी क्वेश्चन आ गया, ये है टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। मैंने आपको जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो में क्या बताया कि इस डिविडेंड पॉलिसी को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं और इसके टाइप्स, यानी कि डिविडेंड पॉलिसीज डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अब इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले अब ये कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी, ये कंपनी के खुद के मैनेजमेंट, खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एनुअल जनरल मीटिंग में फिक्स्ड होता है। कौन सी है, पहले रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी कि हम हर साल 5% 6% की दर से डिविडेंड देंगे, उसको रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी बोलते हैं। अब रेगुलर और स्टेबल में क्या फर्क है, रेगुलर और स्टेबल में क्या फर्क है। रेगुलर में हम डिविडेंड तो दे रहे हैं लेकिन कितना दे रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन स्टेबल में हमने फिक्स कर दिया कि हम 6% 7% डिविडेंड देंगे। यूजुअली इंडिया के अंदर इस तरीके के नॉर्म्स नहीं होते हैं और न ही कोई कंपनी प्री डिसाइडेड बोल देती कि आने वाले 10 साल तक हम 7% का डिविडेंड देने की घोषणा करते हैं। कंपनी हमेशा एक एनुअल जनरल मीटिंग पास होता है, उसमें रिजोल्यूशन पास होता है और उसमें डिविडेंड की घोषणा करी जाती है। तो रेगुलर और स्टेबल आपको समझ में आ गया। स्टेबल का मतलब क्या, कॉन्स्टेंट डिविडेंड आपको कंसिस्टेंट दिया जाता है, उसको स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के अंतर्गत लिखा गया है। कांस्टेंट पेआउट रेशो पॉलिसी, अब कांस्टेंट पेआउट रेशो पॉलिसी क्या कह रही है, ये कोई 6% 5% की बात नहीं कह रही, ये कह रही है कि हमारा जितना भी प्रॉफिट होगा उसको 20% हम डिविडेंड में देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि हम इस साल डिविडेंड 1% दे रहे हैं, 8% दे रहे हैं, 9% दे रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ज़्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट हुआ कम डिविडेंड। तो ये कौन सा हुआ आपकी पे आउट पॉलिसी। देखिए सबसे पहले रेगुलर डिविडेंड, जिसके अंदर बंदे ने कह दिया हाँ भाई डिविडेंड तो दूंगा। स्टेबल, जिसमें उसने कहा कि 5% से डिविडेंड दूंगा, यानी कि शेयर का अगर 100 रुपये लगाएं तो 5% आपको मिलेगा। कॉन्स्टेंट में उसने ये कहा है कि मैं डिविडेंड दूंगा, परसेंटेज प्रॉफिट के ऊपर फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी हो गया। नेक्स्ट है रेसिड्यूअल डिविडेंड पॉलिसी, इसके अंदर फर्स्ट फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि पहले हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फिक्स हम खर्चा कर लेंगे, मींस के जो फ्यूचर की पॉलिसी, पहले मान लीजिए कि 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तो वो कहेगी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारा, हम उसको पहले और निकालेंगे, यानी सारे एक्सपेंसेस तो निकाल दिए, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस और निकालेंगे, उसके बाद हमारे पास अगर कोई फंड बचता है तो हम डिविडेंड देंगे। इसके बाद लो पे आउट पॉलिसी, जैसे हाई पे आउट भी होता है, लो पे आउट भी होता है, जीरो पे आउट भी होता है। तो हाई पे आउट के अंदर क्या है कि जब भी हमारी इनकम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर ज़्यादा बढ़ रही होती है, इनकम प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होता है, तो हम हाई पे आउट में जाते हैं और अगर अपोजिट हो रहा होता है तो लो पे आउट में जाते हैं। इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है 15% और मेरा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है 20%, तो इसमें मैं हाई पे आउट रेशो मान लेता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा आ रहा है। सेकंड कंडीशन क्या होगी, मेरे पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आ रही है 25% और मेरे को प्रॉफिट हुआ है 10%, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने उल्टा बता दिया आपको, यहां के ऊपर लो और यहां पे हाई, ये ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए, देखिएगा एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, जब मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो मैं डिविडेंड कम बांट रहा हूं, जब मेरे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से प्रॉफिट कम मिल रहा है तो मैं डिविडेंड ज्यादा बांट रहा हूं। क्यों, क्योंकि जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ज्यादा ऑप्शन रहे, वो कहीं और पे इन्वेस्ट कर सकें, इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए मैं डिविडेंड हाई बांटूंगा। इसको बोलते हैं हाई पे आउट रेशो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है और प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो लो पे आउट रेशो होगा। क्लियर हो गया, यानी कि जब अगर मैं ही ज़्यादा कमा के दे रहा हूँ, यदि अगर ये 15% ले जाके करेंगे क्या,
अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपए दे दिए तो वो उसका करेगा क्या? वो तो इन्वेस्टर है, वो फिर उसको कहीं भी या तो खर्चा करेगा या इन्वेस्टमेंट करेगा। यदि वो इन्वेस्टमेंट करके कमा रहा है और अगर मैं ही उसको ज़्यादा कमा के दे रहा हूँ, यदि मैं ही उसको ज़्यादा कमा के दे रहा हूँ तो मैं उसको क्या करूँगा? कम डिविडेंड दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मार्केट में मैं बेस्ट उसको प्रोडक्ट, बेस्ट उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कन्वर्ट करके दे रहा हूँ। तो जब मैं कन्वर्ट रेशो ज़्यादा होता है तो मेरा डिविडेंड क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और अगर मैं ही कमा के नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं ही उसको प्रॉफिट बना के नहीं दे रहा हूँ तो मैं उसको हाई डिविडेंड बांट दूंगा, जिससे वो अदर जगह इन्वेस्ट कर सके, अदर प्लेसेस में इन्वेस्ट कर सके और अपनी इनकम बढ़ा सके। तो ये लो पे आउट हाई पे आउट समझ में आ गया। लो पे आउट कब होगा? जब मैं इनकम अर्निंग ज़्यादा होगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, ठीक है, तब लो पे आउट। हाई पे आउट कब होता है? जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होती है और अर्निंग कम होती है। हाई पे आउट पॉलिसी समझ में आ गया, ये दोनों एक साथ में दिए हुए हैं, ठीक है। यूजुअली अगर टाइप्स में पूछ लिया जाए तो लो पे आउट में लो डिविडेंड दिया जाता है, हाई पे आउट में हाई डिविडेंड दिया जाता है, बस। और जीरो अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो मैनेजमेंट के ऊपर है। जैसे 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और 15% ही इनकम हो गई, यहाँ पर अगर इस तरीके से थर्ड कंडीशन बन जाती। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था इस समय, मेरे को याद, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन बड़ा सही क्वेश्चन आया था कि सर अगर इक्वल हो जाए तो क्या करें, मान लो कि 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और 10% ही कमाई हुई, तो ये मैनेजमेंट का डिसीजन है कि वो क्या भी कर सकता है, वो चाहे तो हाई में जाए, वो चाहे तो कम में जाए, वो चाहे तो ना भी बांटे, वो डिपेंड करेगा मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर। इसमें कोई ऐसे फिक्स्ड रूल नहीं है। आगे बोलते हैं स्पेशल डिविडेंड पॉलिसी। स्पेशल डिविडेंड पॉलिसी इज वन टाइम पेमेंट शेयर होल्डर यूजुअली ट्रिक्ड द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस सच एज यूजुअली हाई प्रॉफिट एसेट। स्पेशल डिविडेंड पॉलिसी, हमने बेंचमार्क 20% तो प्रॉफिट अर्न कर सही थे, लेकिन बेंचमार्क इस साल हमने 70% प्रॉफिट अर्न कर लिया, यानी 50% ज़्यादा अर्न कर लिया तो हम डिविडेंड बांट देंगे, ठीक है। तो ये बेंचमार्क हो गया। इंट्रीम डिविडेंड यानी कि जो मध्य में डिविडेंड दिया जाता है साल के बीच में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखिएगा ये बात। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में अगर कोई फाइनल डिविडेंड जो देंगे वो तो साल के एंड में देंगे 31 मार्च को, लेकिन अगर मध्य में कोई दे दिया गया, क्वार्टरली या सेमी एनुअली दे दिया गया, तो वो इंट्रीम डिविडेंड कहलाता है, उसके बाद का डिविडेंड फाइनल डिविडेंड कहलाता है। स्क्रिप डिविडेंड पॉलिसी, इसे कैश डिविडेंड की जगह हम कुछ अदर शेयर्स दे दिए, मतलब हमने क्या कहा कि आपको 1 लाख रुपए का डिविडेंड दिया, लेकिन कैश की जगह हम कैसे दे रहे हैं वो डिविडेंड? दूसरे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करके दे रहे हैं, इस काइंड ऑफ द बोनस शेयर, ठीक है। स्टॉक डिविडेंड भी सेम है, स्क्रिप और स्टॉक दोनों सेम होता है ना, कोई उसमें अंदर डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है कि हो सकता है कि उसमें स्क्रिप के अंदर कुछ एसेट्स भी आपको अलॉट कर दी जाए, स्टॉक में प्योरली आपको शेयर ही मिलता है, ठीक है। नो डिविडेंड, ये एक सिंपल सा है कि जीरो डिविडेंड इसको बोला जाता है, नो डिविडेंड या जीरो डिविडेंड, इसके अंदर कंपनी डिविडेंड इशू नहीं करती। स्मूथिंग डिविडेंड पॉलिसी, बाय मेंटेनिंग अ स्टेबल डिविडेंड पर शेयर एडजस्टिंग ओनली ग्रेजुअली रेस्पॉन्स चेंज इन द अर्निंग। जितना हल्का सा जो भी चेंज आया, यानी यूजुअली हम 20% पे 5% दे रहे थे, ठीक है, फिर 20 पे 5 दे रहे थे, 22% हुआ, तो हमने 5.05% हमने बढ़ा दिया। स्मूथिंग, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही कम हो रही होती है उसके साथ में हमारी चली जाती है, तो स्मूथिंग हो गई। फ्लेक्सिबल डिविडेंड पॉलिसी, फ्लेक्सिबल और वो जो स्टार्ट की फर्स्ट पॉलिसी थी, कौन सी स्टार्ट की हमारी फर्स्ट पॉलिसी थी, कौन सी पॉलिसी? रेगुलर। फ्लेक्सिबल और रेगुलर एक जैसी होती है, ये केवल पॉलिसीज के नाम बताए गए हैं। फ्लेक्सिबल इस साल दिया, प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ तो नहीं दिया, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार दिया, ठीक है, जब यानी इंट्रीम भी दे सकते हैं फाइनल भी। और जीरो डिविडेंड और नो डिविडेंड दोनों इक्वल होता है, केवल थोड़ा सा टैक्सेशन में इसमें डिफरेंस आता है, लेकिन अभी एफएम के सब्जेक्ट के लिए टैक्सेशन में कोई चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ा जीएसटी में भी जीरो सम और नो का प्रोविज़न है, दोनों में अपने को कोई चिंता करने की बात। तो सर इतनी सारी पॉलिसीज हैं, अपन को याद कैसे होंगी? तो सारी याद करा देता हूँ, क्यों चिंता करते हो। सबसे पहले अपन को याद करना है डिविडेंड पॉलिसी, इतनी बात याद हो गई है ना। तो पहला तो अगर मैं रेगुलर डिविडेंड दे दूं, स्टेबल दे दूं, ठीक है, थर्ड नहीं दूं, जीरो, ठीक है, फोर्थ हाई दे दूं, हाई सम, फिफ्थ कम दूं, लो सम, ये तो हो गया। मध्य में दे दूं, बीच में इंट्रीम,
ठीक है। इसके अलावा आप फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये तो अपने छह टाइप तो अपन को याद हो गए, इसमें किसी को कोई डाउट? इसके अलावा स्मूथिंग, एक स्टॉक डिविडेंड अपन को याद और रखना है, बाकी तो और कोई भी याद नहीं रखोगे तो आपके कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इंटरिम हो गया, और सेवन पॉइंट कौन सा है अपना? स्टॉक का। ये सात तरीके के आपको याद रख लेने बस। दिस इज द टाइप्स ऑफ द पॉलिसी। एक स्क्रिप्ट भी है लेकिन अपन यही याद रखें। रेगुलर डिविडेंड रेगुलरली बेस पे दिया जाए, स्टेबल के अंदर परसेंटेज फिक्स्ड है, जीरो के अंदर डिविडेंड नहीं दिया जाता, हाई के अंदर हाई डिविडेंड दिया जाता है, लो के अंदर लो डिविडेंड दिया जाता है, इंटरिम डिविडेंड यानी कि साल के मध्य में कभी हमने डिविडेंड दे दिया, स्टॉक डिविडेंड स्टॉक के रूप में यानी कि शेयर्स दे दिए जाते हैं, कैश नहीं दिया जाता, और एक आठवां स्पेशल और याद रख लो, यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया तो मैंने स्पेशल डिविडेंड, बहुत सी कंपनियां स्पेशल डिविडेंड भी घोषणा करती है। तो ये आठ तरीके के डिविडेंड पॉलिसीज अपन को अच्छे से याद रखनी है, कोई भी कंफ्यूजन मत रखना। कुछ चीज़ें पॉइंट्स ओवरलैप किए गए हैं इसलिए आपको दिक्कत आई होगी। हाई और लो का क्वेश्चन अलग से आ जाता है। हाई डिविडेंड कब होगा? जब मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ज़्यादा होगा प्रॉफिट से, सिंपल सी बात है। और लो डिविडेंड कब होगा? हाई डिविडेंड कब होगा? जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगा प्रॉफिट कम होगा, और अगर प्रॉफिट मेरा ज़्यादा हो रहा है तो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, के से डिनोट करते हैं इसको, तो मैं लो डिविडेंड पॉलिसी पे जाऊँगा। ये एक बेसिक फंडा और याद रख लेना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे छलांग मारते हैं, जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।